आतंकी मसूद अजहर को बचाने फिर सामने आया चीन। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की दुनिया की कोशिशों पर चौथी बार लगाया अड़ंगा। चीन को छोड़ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों ने मसूद अजहर पर बैन का किया समर्थन। कुख्यात आतंकी मसूद अजहर को लेकर चीन के रवैये पर भारत ने जताई निराशा। कहा, आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जारी रहेगा प्रयास। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने की कवायद में समर्थन करने वाले सभी देशों का जताया आभार। रफाल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई आज। सरकार ने दस्तावेज लीक होने पर कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, लीक गोपनीय दस्तावेजों से खतरे में राष्ट्रीय सुरक्षा। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगी जमीनी हालात की रिपोर्ट। निष्पक्ष चुनाव के लिए अति संवेदनशील राज्य घोषित करने की मांग के बाद आयोग का कदम। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों के चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की दिल्ली में बैठक आज। और कांग्रेस की दूसरी सूची में उत्तर प्रदेश के 16 और महाराष्ट्र के 5 उम्मीदवार समेत 21 नाम। राज बब्बर, सुशील कुमार शिंदे, श्री प्रकाश जायसवाल और प्रिया दत्त के नाम शामिल। त्रिपुरा में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी की आईपीटीएफ के साथ अंतिम दौर में बातचीत।